पठानकोट के लांडा चौक में आज एसटीपी प्लांट का उद्घाटन विधायक अमित विज द्वारा किया गया, जहां उनके साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर जानकारी देते हुए विधायक अमित विज ने बताया कि एसटीपी चालू होने से लांडा चौक और आसपास के इलाके में लगभग 2000 एकड़ जमीन को पानी मिलेगा, जिससे खेतों की सिंचाई संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 18.50 करोड़ की लागत से तैयार कर एसटीपी को चालू किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि एसटीपी की खास बात यह है कि यह सीवरेज वाटर के पानी को साफ खेतों तक पहुंचाएगा, जिससे सूबे के किसानों को सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सभी को गंदे पानी की बदबू से भी निजात मिलेगी। सबको लाडो चक और जो आसपास के लोग रहते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि हमारा 27 MLD का एसटीपी प्लांट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आज चालू है। एरे विच हजे जेड़ी कैपेसिटी आ रही है पानी की 10-12 MLD है, मिलियन लीटर पर डे, रफली 12 करोड़ पर डे लीटर्स पर डे का पानी वो ट्रीट करके इतने 2000 एकड़ लैंड नो असी इरीगेट कर पावांगे, प्लस इतने खाद जनरेट होएगी, एक सोर्स ऑफ रेवन्यू है, उन्हों असी डिपार्टमेंट वेच के इस पिंड दे बेनीफिट वास्ते ही वो पैसा लगाया जाएगा। वो मैं रिक्वेस्ट करांगा डी साहब नू। ते थर्डली सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी के नाल जिहड़ा इतने बदबू आती सी या गंदगी सी वह साफ पानी के नाल वो जिहड़े लोगों सब तो वड्डी तकलीफ सी जिहड़ी पानी की अडल्ट्रेशन हो रही सी जमीना च वो बंद होएगी। तो एक बड़ी वड्डी चीज़ है, मैं 18.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो मैं सारिआं नू इलाके वासियां नू लाडो चक के लोगों अगे पिंड वालियां नू जिन्हां नू पानी अपनी कल्टीवेशन वास्ते यूज़ है बहुत बहुत मुबारक देना। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।